हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील, स्वागत है आपका नवाबों के शहर लखनऊ में। पतंगों का नशा, मांझे की धार, सर्दी की मार्फी वृद्धि लेवे करार, मुबारक हो आपको पतंगों का त्यौहार। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमन और आप देख रहे हैं रोड साइड। आज हम चलेंगे हुसैनगंज और खरीदेंगे कुछ पतंग, तो चलिए शुरू करते हैं। कि हम लोग अभी यहाँ आ गए हैं हुसैनगंज और हमारे पीछे ही एक हाईजी काइट शॉप। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनके बारे में। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ हाजी काइट शॉप में और आज हम लोग इनसे बात करेंगे इनके ना जो काइट बिजनेस है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बताइए आपका नाम। हमारा नाम, हमारा नाम है हाजी। हाजी जी, ये हाजी जो काइट शॉप ये नाम है, तो ये आपके नाम पर है? ये हमारे फादर के नाम से है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो ये आपका बिजनेस ही कितना मतलब पुराना है, आप ये कब से कब करते आ रहे हैं? ये बेटा ऐसा है कि कम से कम 50 साल से ऊपर हो गया है। मेरे फादर से मैंने क्या, मेरे से मेरे लड़के कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी चल रही है इसकी। तो जो ये काइट्स है, ये क्या आप बाहर से खरीदते हैं या फिर आपका कोई खुद का कारखाना है जहाँ से बनवाते हैं? ऐसा है, इसका कारखाना मेरे पास नहीं है। ये पतंग हमारी मुरादाबाद और बरेली से आती है। अच्छा, हमने सुना है कि बरेली का जो मांझा होता है वो काफ़ी फेमस होता है, तो मतलब ये नॉर्मल मांझा है और ये बरेली का जो मांझा है इसमें मतलब फ़र्क क्या है, मतलब क्या? ऐसा है, बरेली का मांझा होता ही बहुत बढ़िया है, बहुत फेमस है, वहाँ अच्छे अच्छे कारीगर हैं, काम करने वाले हैं, तो इस लिहाज से बरेली का मांझा बहुत अच्छा होता है। आपको ये सीजन है, क्या आपको ये लगता है कि जैसे जैसे लोग अब मॉडर्न हो रहे हैं तो क्या ये बिजनेस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं, बिजनेस हमारा ऐसा ही चल रहा जैसे चलता था। हाँ, बिजनेस बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो क्या जो ये आपका बिजनेस है ये काइट्स, तो क्या इसमें कोई सीजनल कोई फ़र्क होते हैं कि ये सीज़न आया तो ज़्यादा बिकेगा या फिर ये सीज़न आया तो कम बिकेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए अब जैसे ये मकर संक्रांति है तो इसमें भी बहुत से बाहर बाहर के यहाँ आए, वो लोग पतंगबाजी करते हैं और यूँ भी चलता ही चलता है काम। हमारा काम 12 महीने ही चलता है, सिर्फ 2 महीने थोड़ा सा 19-20 रहता है, मई जून में थोड़ा कम होता है, गर्मी पड़ती ना इसलिए उसमें नहीं इतना वो होता है। अच्छा, हमको बताइए कुछ रील के बारे में कि ये जो ये पतंग की जो रील होती है इसे हम पेच काटते हैं, तो ये कितने तरह की होती है, क्या कैसे उसमें होता है? मंझा तो कारीगरों पर निर्भर करता है कि कौन कारीगर कितना अच्छा है, उन्हीं का मंझा काटता है और क्या, उन्हीं का मंझा काटता है। ये मांझा होता है का ये भी क्या सीजनल होता है कि गर्मियों के लिए वो अलग मांझा होगा, ठंड के लिए अलग होगा या ऑल वेदर होगा? मांझा वही सब सुतता है जैसा सुतना चाहिए, मांझा बढ़िया सुतता है। अच्छा, तो जैसे अभी लोग ना आते हैं चरखी भरवा लेते हैं, तो इतनी जल्दी जो चरखी भरती है मतलब कैसे भरती है, कुछ बताइए इस मशीन के बारे में हमें। हमारे पास मशीन है, ये मशीन दिल्ली से आई थी। अच्छा, ये 6 मशीनें हमारे पास चलती हैं सीजन पे। अब आजकल थोड़ा सा वो है तो अपने 1-2 मशीन से काम चलता है हमारा। तो लगभग 1 साल में जो आपका जो इस दुकान से मतलब जो पैसा निकलता है वो कितना आपको प्रॉफिट हो जाता है इस बिजनेस में? प्रॉफिट के बारे में तो कुछ नहीं, क्योंकि बड़ा ऐसा ही होता है जो भी थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉफिट हमने आज तक कलेक्शन नहीं किया कभी। कलेक्शन नहीं किया फिर भी मतलब 3-4 लाख के आसपास तो मतलब
नहीं नहीं कम कम कम। तो आप कुछ दिखाइए एक बार हमको कि मशीन कैसे काम करती है, जो आपका मशीन काम कैसे करती है। मशीन तो इसमें चरखी लगाई जाती है, बटन दबा दिया चलती है। तो ये आप जो रील बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं, कोई डिस्टेंस होता है कि मतलब यहाँ से वहाँ तक का हम रील लगा दें और बस हो गई 30 रुपए की रील? नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है रील जैसे 1000 मीटर उतारना हुआ तभी चलती मशीन। अच्छा। ऐसे नहीं चलाते मशीन। हाँ अच्छा, 1000 मीटर के हिसाब से बजा। हाँ 1000 मीटर चलना होगा तभी चलेगी मशीन, क्योंकि कम काम होता नहीं उसमें। 1000 मीटर, 2000 मीटर और 6000 की तो चरखी आती, 6000 की चरखी आती, 3000 की चरखी आती, 3000 की आती है। तो ये जो रील होती है कभी कभी बहुत पतली होती है, कुछ रील बहुत मोटी होती हैं। तो सर ये इसका क्या मसला है, मतलब क्या मोटी रील क्या कटेगी? नहीं नहीं, मोटी रील जो होती है वो एक आता है पंडा। अच्छा। पंडा वो होता, थोड़ा लोग उसे भी यूज़ करते हैं, और एक है 30 नंबर उसे भी यूज़ करते हैं।